आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स एंड इट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो नेक्स्ट वी विल डू अबाउट इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स एंड इट्स अनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट्स एंड इट्स इनडिटरमिनेट फॉर्म डिवाइड
डिवाइड बाय लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ये क्या मीनिंगलेस है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसी लिमिट को 0 बाय 0 फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे, दिस फॉर्म इज कॉल्ड अनडिटरमिनेट फॉर्म. सो द लिमिट, इसमें क्या होगी, लिमिट f of x बाय g of x x टेंड्स टू a डिवाइड बाय g of x इज, ये क्या होगी, अनडिफाइंड हमने बोला, अनडिफाइंड. सो ये f of x बाय g of x क्या है, ये हमारी मीनिंगलेस और इट डजंट एग्जिस्ट इज मीनिंगलेस. ये क्या है, हमारी टर्म मीनिंगलेस है, या हम कहेंगे ये टर्म क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट, और इट डज नॉट एग्जिस्ट, और ये क्या कहेंगे हम, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये वाली टर्म. सो नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम बात करें f ऑफ x बाय दिस फॉर्म 0 बाय 0 इज कॉल्ड अनडिटरमिनेट फॉर्म. सो दिस फॉर्म 0 बाय 0 is called undetermined form, indeterminate. तो ये हमारी क्या होगी, 0 by 0 जब हमारी form आ गई तो उस term को हम बोलेंगे, ये form हमारी क्या है, indeterminate form है. इसमें हमने क्या consider किया, हमने consider किया limit लगा दी x tends to a f of x by g of x, ये हमने consider किया एक function है, उसमें हमने लिमिट क्या है, सेपरेट कर दी f of x और g of x पे, अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग लिमिट लगा दी. तो इसमें हमने बोल दिया कि ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है. सपोज अगर हमने लिया, नेक्स्ट में हमने क्या लिया, अगर हमने लिया लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g of x, ये दोनों ही लिमिट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगी, 0 बाय f of x भी 0 है, ये भी g of x भी क्या है, हमारा 0 के इक्वल है. तो ये हमारी टर्म क्या हो गई, अनडिफाइंड टर्म हो गई, ये इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी क्या है, मीनिंगलेस टर्म है, ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. यही हमने इवैल्यूएट करना था, यही हमारा टॉपिक था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसे बोलते हैं, जब हमारी टर्म 0 बाय 0 के इक्वल आ जाए तो वो हमारी क्या होगी, अनडिफाइंड टर्म, या ये टर्म क्या बोलेंगे इसको, एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये टर्म हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती. तो लिमिट इस पे जब लगाएंगे x tends to a f of x is equal to x tends to a g of x will be equal to 0, this term doesn't exist. So 0 by 0 form is undefined. तो ये थी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स एंड इट्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इवोल्यूशन ऑफ लिमिट्स एंड इट्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इसमें हमने लिमिट भी अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद भी लिमिट उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 बाय 0 के इक्वल. तो यही हमारी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की, तो इसमें क्या होगा, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में अगर हम टर्म्स डिस्कस करें वन बाय वन, द एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स a
constant function. So our value will be equal to limit x tends to a, f of x will be equal to k. So second हमने क्या बोला, limit x tends to a, k f of x. तो इसको separate कैसे करेंगे, k हमारा क्या है, constant term है, तो ये बाहर आ जाएगी, limit सिर्फ इस पे लगेगी, function पे लगेगी. So now the third will be equal to limit x tends to a, limit x tends to a f of x plus minus g of x will be equal to, तो ये क्या है, हमारे पास दो function है और limit क्या है, बाहर लगी हुई है, तो इसको क्या है, separate separate करके क्या लगाएंगे, limit लगाएंगे, limit x tends to a f of x plus minus limit x tends to a g of x. तो ये हमारा हो गया third. तो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास दो गिवन होंगे, दो फंक्शन गिवन होंगे, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, तो दोनों के बाहर क्या लग जाएगी, लिमिट लगाएंगे, उसके बाद हम फंक्शन ऑपरेट करेंगे. सो फोर्थ हमारे पास है, अगर यही टर्म हमारी क्या हो, डिवाइड में हो, अगर यही टर्म इसमें एडिशन में है, अगर यही टर्म हम डिवाइड में लें, f of x by g of x, तो ये किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x divide by limit x tends to a g of x लगेगी, फंक्शन के साथ लगेगी.
अगर फंक्शन प्लस में है, माइनस में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, किसी भी टर्म में है, तो वो क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म उसमें से सेपरेट हो जाएगी और लिमिट्स किसके साथ लगेगी, फंक्शंस के साथ ही लगेगी, चाहे फंक्शन उसमें हमने दो कंसीडर किए हो या एक फंक्शन कंसीडर किया हो, लिमिट्स उन सभी में क्या है, अलग अलग लगेगी। अगर दो फंक्शन है तो उसमें से लिमिट्स क्या हो जाएंगी, दोनों फंक्शन के साथ लिमिट्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट आउट हो जाएंगी। तो ये थी हमारी अलजेब्रा की कुछ लिमिट्स। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ सम्स करेंगे अब हम इससे रिलेटेड। लिमिट x 1 को टेंड कर रहा है, सो x की जगह क्या पुट
लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। तो इसमें इसका सॉल्यूशन है, लिमिट क्या है, x टेंड कर रही है 0 को, अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। ये हमारे पास टर्म क्या है, गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 0। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 डिवाइड बाय 1। तो अंडर रूट 1 प्लस 1 ये नॉर्मली किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। सो अंडर रूट 1 विल बी इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 बाय 1। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। सो ये थे हमारे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, तो इसमें हमने क्या किया, अंडर रूट 1 प्लस x, ये हमें वैल्यू गिवन की है अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस x। तो इसमें हमने क्या पुट किया, x की जगह क्या पुट कर दिया, लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 0, तो जहां जहां x है वहां हमने क्या पुट कर दिया 0। सो आवर इक्वेशन विल बी इक्वल टू, हमारा आंसर किसके इक्वल है, अंडर रूट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1। सो अंडर रूट 1 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1। सो 1 प्लस 1 हियर इज 2। सो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। सो इसी से रिलेटेड अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल विल बी अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a डिवाइड बाय x प्लस a वेयर लिमिट x टेंड्स टू a। अब लिमिट इसमें क्या टेंड कर रही है, x a को टेंड कर रहा है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे, a। लिमिट x टेंड्स टू a अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a डिवाइड बाय x प्लस a। सो जहां जहां x की जगह क्या पुट करना है, a, तो क्या पुट करेंगे, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a डिवाइड बाय a प्लस a दैट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट a बाय 2 a। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, अंडर रूट a बाय a। सो इसको हमने क्या किया, जहां जहां क्या था, x था वहां हमने क्या पुट कर दिया, a, x की जगह a पुट कर दिया, तो क्या आ गया, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a दैट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट a। सो 2 अंडर रूट a बाय 2a, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई, अंडर रूट a बाय a, या इसको हम राइट कर सकते हैं, ये हमारी क्या होगी वैल्यू, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अंडर रूट a को दैट विल बी इक्वल टू a पावर 1 बाय 2 माइनस 1। तो ये किसके इक्वल होगी, पावर a रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2। तो ये हमारी पावर किसके इक्वल होगी, a रेज टू पावर माइनस 1 बाय 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सॉल्व कर दिया। इसमें हमने क्या कंसीडर किया कि जो हमें वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में वो हमने डायरेक्ट क्या है, पुट कर दी, जो भी लिमिट्स हमें गिवन थी वो हमने डायरेक्ट पुट कर दी। तो ये था हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो अब हम इससे नेक्स्ट अब हम करेंगे, हम कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, वो आपको लर्न होने चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है, तो अब हम फर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू। सो ये आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फर्स्ट हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी
क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब विल बी इक्वल टू, अगर हमारा प्लस साइन तो यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी. तो ये हमारा फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी. सो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ए फोर माइनस बी फोर. ए पावर फोर माइनस बी पावर फोर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ये को ये भी राइट कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ये वाली टर्म को हम एज इट इज ही राइट कर सकते हैं. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो नेक्स्ट अगर हम ले एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स. इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर हमारा एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स. देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो इसका मतलब क्या है कि एक्स ए किसको टेंड कर रहा है, एक्स टेंड कर रहा है ए को, इसलिए एफ ऑफ एक्स का फैक्टर हुआ. तो इसमें फॉर्मूला जी आपने सभी लर्न करने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी. सो नेक्स्ट हमारा है ए फोर माइनस बी फोर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो लास्ट वन इज अगर एफ ऑफ ए हमारा जीरो के इक्वल है तो उसका फैक्टर हुआ एक्स माइनस ए विच इज दिस इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो ये सभी फॉर्मूलाज आपने लर्न रखने हैं. सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट